हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़ गए हैं इस खबर पर। भास्कर, पंजाब में अच्छा खासा सुर्खियां बटोर रहा है ये बयान, किस तरीके की सियासी लहर इस वक्त देख रहे हैं? पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कैसे काउंटर कर रहे हैं? देखिए, काउंटर करने की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी के नेता इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन ये एक कोशिश थी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के द्वारा कि किसी भी तरह के कोई विवाद में नहीं फंसना है। पिछली बार उन्होंने देख लिया था कि चुनाव से एक सप्ताह पहले इसी तरह का विवाद उत्पन्न हुआ था और फिर सारा रुख बदल गया था, और इस बार कोशिश ये की जा रही थी कि इस तरह के किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। इसी बीच कुमार विश्वास का ये बयान आया तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है कि एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया कि जिसपे पिछली बार, पिछले यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में इनको ये मानते हैं कि एक जो हार हुई थी उसमें एक बड़ी वजह ये भी है, और वो इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव से इन पहले फिर से मुद्दा उठा। 2017 का मुझे वो किस्सा याद आ रहा है और हमने भी वो खबर दिखाई थी, और आपको भी ध्यान होगा भास्कर कि जब अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे थे तो वहाँ पर खालिस्तान के पूर्व कमांडर के घर मोगा में वो जाकर रुके थे। नाम अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा, गुरिंदर नाम था। तब भी अच्छा खासा इसने विवाद पकड़ा था, तूल पकड़ा था कि क्यों अरविंद केजरीवाल एक एक्स खालिस्तानी कमांडर के घर जाकर रह रहे हैं। बिल्कुल, ये 2017 की घटना है और ऐसा हुआ था, और बाद में अरविंद केजरीवाल को 2017 में भी ये सफाई देनी पड़ी थी कि मैं नहीं जानता था, मेरे एक वॉलंटियर ने बताया और फिर मैं जाके रुक गया, और एक तरह से माफ़ी भी मांगी थी उसके लिए। इसीलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा ये कोशिश रही कि कोई भी विवादास्पद अगर नाम है तो उससे बचा जाए, उस पर ना कुछ बोलना चाहिए और ना कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए। अब कुमार विश्वास जैसे लोग अगर खुल के सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं कि अलग देश के प्रधानमंत्री तक बनना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बयान है, और अरविंद केजरीवाल को सामने आना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि वो कवि हैं, हास्य कवि हैं, मजाक के तौर पे कहा होगा, जिसको लोग सीरियसली ले रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।